Now, war of words between the Aam Aadmi Party and the BJP escalated right after Arvind Kejriwal's name was mentioned in the ED's Likagate gate charge sheet. Now, this comes after the ED filed a supplementary charge sheet in the excise policy case. The charge sheet gives details of how Arvind Kejriwal had a FaceTime video call with one of the main accused, Sameen Mahindru, during which he asked him to work with co-accused Vijay Nair and referred to Nair as his boy. Reacting to this, Kejriwal slammed the ED, saying that it is not.

उसमें से कितने लोगों को सजा हुई ईडी e की सारे केस फर्जी हैं ईडी e के केस केवल सरकारें गिराने और सरकारें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ईडी e के केसेस, ईडी e जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए थोड़ी केस करती है ईडी e तो केवल एमएलए इन लोगों की सरकारों को एमएलए खरीदने के लिए एमएलए तोड़ने के लिए सरकारें बनाने के लिए सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ईडी की चार्जशीट कोरा फिक्शन है ईडी की ताकत को ईडी की क्षमता को ईडी के कार्य को कोई चैलेंज कर रहा है और उसको गलत ठहरा रहा है कि इट्स अ फेक चार्जशीट मैं उसको यही कहना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ कि आप एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी अपहेल्ड द पावर्स ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड द जॉब ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज टू प्रिवेंट करप्शन केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का सीधे सीधे जो गठबंधन है वो अनियमित धंधों के साथ है